सो अनिल जी, कंटिन्यूइंग टू व्हाट आई वाज सेइंग कि मार्केट में मुझे लगता है कि जो ट्रैपिंग हुई है वो कॉल सेलर की हुई है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करके जाना चाहिए। लॉन्ग करने के लिए अनिल जी, एक हमारा स्प्रेड चल रहा है 16600, 16800, बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। उसमें अभी 20-25 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन मुझे लगता है कि कल उसमें जैकपॉट लग सकता है। अगर किसी को अनिल जी नया बनाना है, क्योंकि ऊपर की रेंज में है, तो 16600 की एक कॉल लेके 16700 की दो कॉल बेच दें और इस स्प्रेड में 5 रुपए लगेंगे, 16800 तक कल को सेफ है कल के लिए। तो अनिल जी, मुझे तो ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी दोनों बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन लेना ऑप्शन के थ्रू है, क्योंकि इवेंट तो इवेंट ही है, मतलब वो हम सबसे बहुत ऊपर है, डेटा को भी वो ओवररूल कर देता है इवेंट। बट अनिल जी, जिस तरह का डेटा दिख रहा है मुझे, एंड मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में एक अपमूव आना चाहिए, क्योंकि अनिल जी आज जितने भी कॉल सेलर हैं ट्रैप हुए, किसी को एग्जिट नहीं मिला। कमिंग बैक टू दी स्टॉक्स अनिल जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगस्त सीरीज के लिए भी एचडीएफसी बैंक दोनों अपने बेस्ट पिक्स है। अभी एलएनटी के बारे में हमने बात की है कि वो तोड़ फोड़ तरीके से इस वक्त जो जितनी उसमें अंडर परफॉर्मेंस थी उतनी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आई थिंक वो 2000 की तरफ जा रहा है। डेल्टा अनिल जी बैंड पीरियड में नीचे से ऊपर आके बैंड के अंदर ही 190 के ऊपर स्टेबल हो गया है। अब इसका आखिरी पड़ाव है 200 से ऊपर, किसी भी दिन 200 से ऊपर का इसने झटका दे दिया तो अनिल जी सीधा 230-240 जाएगा। और मैं डेल्टा में अगेन, मैं बार-बार आई वाज स्टिकिंग माय नेक आउट कि जो स्क्यूड सेलिंग है ये एक बार अब्सॉर्ब हो गई तो इतना अच्छा रिवर्सल आएगा इसके अंदर। तो 190 एक बहुत अच्छा लेवल है जिसके ऊपर खड़ा हो गया, और 200 के ऊपर अनिल जी बहुत अच्छी मूव आएगी। तो ऑल इन ऑल अनिल जी, मतलब बाय एंड बायर डिप्स मार्केट है, मुझे मंदी नहीं लगती है, और इवेंट से पहले भी शॉर्ट नहीं करके जाना।